Zombie Apocalypse. हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो गाइस, आज की जो मेरी वीडियो है वो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट बैंक शॉट के ऊपर होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। मैं इजीली आपको इनडायरेक्ट और डायरेक्ट बैंक शॉट के बारे में समझाने वाला हूँ। तो देखो गाइस, वैसे तो आपने बहुत वीडियो देखी होगी, बहुत लोग इनडायरेक्ट और डायरेक्ट शॉट को बताते हैं, लेकिन वे क्या कहते हैं कि पहले आपको इन डायमंड्स को याद रखना पड़ेगा, 1, 2, 3, और फिर जिस भी पोजीशन पर आपकी बॉल होगी आपको वहाँ से इन्हें कैलकुलेट करके हिट करना पड़ेगा। लेकिन उसमें जो है बहुत टाइम लगता है, मैच के दौरान हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम इसे कैलकुलेट करें। और दूसरा, फिर हमारी पोजीशन बॉल की वो सही जगह पर भी नहीं होती, वो कहीं भी हो सकती है, तो इसमें बहुत दिक्कतें आती है। लेकिन मैं आपको इजी ट्रिक बताता हूँ, उसमें आपको कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम सीखने वाले हैं डायरेक्ट बैंक शॉट, वो मैं पहले आपको सिखा देता हूँ। हमें इस वाली बॉल को पोर्ट करना है और वो हम नीचे वाले इस पॉकेट में हम इस बॉल को पोर्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। तो गाइस, इस पॉकेट में हमें इस बॉल को पोर्ट करने के लिए सिंपली ऊपर वाली पट्टी पर हमें इसको हिट करना पड़ेगा, तब हम इसमें पोर्ट करेंगे। तो हमें करना क्या है गाइस, सबसे पहले आपको एक सीधी लाइन इमेजिन करनी है। जैसा मैंने इस वीडियो में लाइन खींच दी है, आपको ऐसे ही एक सीधी लाइन इमेजिन करनी है जो इस पट्टी पर टच होगी। उसके बाद आपको करना क्या है गाइस, ये जहाँ पर ये टच हो रही है वहाँ से एक लाइन इस पॉकेट में आपको लेकर आनी है जिसमें आप इस बॉल को पोर्ट करना चाहते हो। तो आपको एक लाइन इमेजिन ये करनी है, और उसके बाद आपको करना क्या है, इसके जो अपोजिट वाला ये पॉकेट है यहाँ से आपको एक लाइन लेकर अपनी ऑब्जेक्ट बॉल पर टच करनी है, जैसे मैंने कर दी है। और इसको करने के बाद आप देख रहे होंगे कि ये क्रॉस बन गया है यहाँ पे बीच में, ये जो क्रॉस बन गया है। अब यहीं से आपको एक लाइन ऊपर की तरफ लेकर जानी है जो इस पट्टी पर टच होगी। तो ये आपका जो है वो टारगेट बन गया है। यहाँ पे आपको अपना एम करना है, जो आपकी ऑब्जेक्ट बॉल है उसका एम आपको इस यहाँ पॉइंट से मिला देना है, और यहीं पर आपको जो है हिट करना है। इससे क्या होगा, आपकी बॉल जो है वो सीधी डायरेक्ट इस पॉकेट में पोर्ट हो जाएगी बहुत इजीली। ये देखिए आप, ये पोर्ट हो गई। तो ऐसे ही करना है गाइज आपको, बहुत सिंपल है। अगर आप इमेजिन नहीं कर सकते तो आप स्केल का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए दूसरा एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस बार ये जो ऑरेंज वाली बॉल है ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इस बॉल को हमें ये जो ऊपर पॉकेट है इस पॉकेट में हमें इसे पोर्ट करना है। तो चलिए देखते हैं हम कैसे करते हैं। वही करेंगे हम, पहले एक सिंपल सीधी लाइन करेगी इसकी, और फिर जो जहाँ पे टच हो रही है वहाँ से हमें एक लाइन ऊपर वाले पॉकेट में लेकर जानी है, और दूसरी लाइन हमें इसके अपोजिट वाले पॉकेट से टच करनी है इस बॉल को। तो ये जो आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक क्रॉस बन गया है। अब यहीं से हमें एक लाइन इस पट्टी पर हमें टच करनी है, आप देख सकते हैं मैं कर रहा हूँ, ये टच हो गई। अब यहीं पर हमें एम करना है, यहाँ पर इसका एम करो और फुल फोर्स के साथ इसे जो है हिट कर दो, ये पोर्ट हो जाएगी, आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको और एग्जांपल दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो इस बार गाइस, जो हमारा जो ऑब्जेक्ट बॉल है वो ये हमारी कॉफी जो बॉल है ये है, और इसको हमें हिट करना है नीचे वाले पॉकेट में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वही सीधी स्ट्रेट लाइन हमें इस बॉल से लेकर जानी पड़ेगी ऊपर, मैं दिखा देता हूँ आपको अभी। तो आपको सीधी लाइन इमेजिन करनी है, और फिर दूसरी लाइन यहाँ से इस वाले पॉकेट में इमेजिन करनी है, और तीसरी लाइन अपोजिट वाले पॉकेट से बॉल को, और फिर यहाँ से जो क्रॉस बना है यहाँ से एक लाइन ऊपर लेकर जानी है, और ये जो पॉइंट हमारा बन गया है यहाँ पर एम आपको सीधा कर लेना है, इस पर मिला लेना है, और फुल फोर्स के साथ आपको इसे हिट करनी है, ये इसमें पोर्ट हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट शॉट देखते हैं। ये हमारा शॉट होने वाला है, ये ग्रीन बॉल हमें नीचे वाले पॉकेट में हमें इसे हिट करनी है इस वाले पॉकेट में। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। वही आपको सिंपल करना है, सीधी लाइन करनी है स्ट्रेट, और फिर इस वाले पॉकेट से एक लाइन लेकर आनी है बॉल के पॉइंट की तरफ, और दूसरी लाइन अपोजिट वाले पॉकेट से हमें लेकर आनी है बॉल पर। ये मैं लेकर आ गया हूँ, तो यहाँ पर ये क्रॉस बन गया है गाइस, आप देख सकते हैं छोटा है पर दिख रहा है। तो यहीं से आपको एक सीधी लाइन स्ट्रेट करनी है इस पट्टी पर, ये हमारा पॉइंट बन गया है, यहीं पर आपको एम करना है अपनी बॉल का, तो ये डायरेक्ट इसमें हिट हो जाएगी। ये मैं कर रहा हूँ, देखो गाइस, ये एम मैंने कर दिया और फुल फोर्स के साथ हिट करा, तो ये पोर्ट हो गई।
तो चलिए एक और शॉट मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद हम इनडायरेक्ट शॉट देखेंगे उन्हें कैसे करना है। तो चलिए देखते हैं, सिंपली आपको वही करना है, एक सीधी लाइन इमेजिन करनी है। तो चलिए करते हैं, ये आप देख सकते हैं मैं सीधी लाइन इमेजिन कर रहा हूँ, मतलब मैं तो लाइन खींच रहा हूँ, आपको इमेजिन करना है। और अगर आप इमेजिन नहीं कर सकते तो मैंने बताया है कि आप स्केल का यूज़ कर सकते हैं। दूसरी लाइन यहाँ से इमेजिन की और तीसरी लाइन हमें अपोजिट वाले पॉकेट से इस ऑब्जेक्ट की तरफ लेकर आनी है। ये क्रॉस आपका बन गया है। अब यहीं से आपको एक सीधी लाइन सामने वाली पट्टी की तरफ लेकर जानी है, जहाँ पर आपको हिट करनी पड़ेगी अपनी ऑब्जेक्ट बॉल को। तो चलिए लेकर चलते हैं, ये यहाँ पर ये हमारा पॉइंट बन गया है। अब आपको यहीं पर अपना जो एम है उसे हिट कर देना है। तो चलिए करते हैं, देखते हैं क्या एम बनता है इसका। तो ये हम धीरे धीरे करते हैं। तो गाइज ये हमने इसका पॉइंट की तरफ अपना एम कर लिया है, और अब आपको फुल फोर्स के साथ ही इसे हिट करना है, तो ये पोर्ट हो जाएगी। इसके बाद गाइज मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, कहाँ पर आपको ज़्यादा फोर्स रखनी है और कहाँ पर आप अपनी फोर्स को जो है वो कम कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं नॉन स्लाइडिंग जोन, अगर आपकी जो ऑब्जेक्ट बॉल है वो नॉन स्लाइडिंग जोन के अंदर है तो आपको फुल फोर्स रखनी है, और इसके बाहर ये जो जितना भी इसके बाहर बच गया है यहाँ पर आप अपनी स्लाइडिंग जोन के अंदर फोर्स अपनी जो है कम कर सकते हैं। तो गाइज अब हम इनडायरेक्ट बैंक शॉट की देखेंगे उसको कैसे करना है। तो चलिए देखते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसमें जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हमारी खुद की क्यू बॉल है, इसको हमें हिट करना है और इसको हमें इस ऑरेंज बॉल पे हिट करना है ताकि ये पोर्ट हो जाए। तो इसमें भी गाइज सेम वही रहेगा, इसके सामने वाली पट्टी पे जो पट्टी है इस पे हमें हिट करनी पड़ेगी। तो एक सीधी लाइन हमें लेकर आनी है यहाँ से इस पट्टी पर, और दूसरी लाइन जो है वो हमें इस बॉल से लेके यहाँ टच कर देनी है अपनी लाइन पर, और तीसरी लाइन अपोजिट वाले पॉकेट से अपनी क्यू बॉल पर लेकर आ जानी है। ये आप देख रहे हो क्रॉस बन गया है, यहीं से हमें एक लाइन इमेजिन करनी है सीधी, और ये पॉइंट हमारा बन गया है। यहाँ पर हमें अपना एम करना है और उसके बाद इसे फुल फोर्स साथ हिट कर देना है, तो ये ऑरेंज बॉल पोर्ट हो जाएगी, आप देख सकते हैं। तो चलिए गाइज मैं आपको एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ। इसमें हमारी ये जो क्यू बॉल है हमें इसे हिट करना है अपनी इस ग्रीन वाली बॉल पर। तो हमें सिंपली वही करना है गाइज, एक सीधी लाइन कर लेनी है, इसमें तो हमें इमेजिन करने की ज़रूरत नहीं है, बस सीधी लाइन कर लेनी है इसकी, और दूसरी लाइन जो है मैं वो ऑब्जेक्ट बॉल की तरफ लेकर आ जानी है, और तीसरी जो हमारी लाइन है वो हमारी क्यू बॉल से जो है वो अपोजिट वाले पॉकेट में हमें लेकर आ जानी है। मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं ये मेरी लाइन जो है वो आ गई और क्रॉस भी बन गया। आप देख सकते हैं गाइस यहाँ पर भी एक क्रॉस बन गया है। अब हमें क्या करना है, इस क्रॉस से एक लाइन ऊपर लेकर जानी है, ये हमारा पॉइंट बन गया है, और यहीं पर आपको अपना एम करके इसे हिट कर देनी है, तो आपकी ये जो ग्रीन बॉल है वो पोर्ट हो जाएगी। चलिए देखते हैं, ये हो गया इजीली। तो गाइज मैं आपको और एग्जांपल दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो आप वीडियो को एंजॉय कीजिएगा और पूरी वीडियो को वॉच कीजिएगा।